हम हिंदुस्तानियों को इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि बख्तियार खिलजी ने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। गुस्सा भी आता है कि इस यूनिवर्सिटी के बर्बाद होने से हमारा देश न जाने कितने हजार साल पीछे चला गया, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतना ज्ञान था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की सजा बख्तियार खिलजी को मिल गई थी, सदियों पहले मिल गई थी और बहुत अच्छे से मिल गई थी। इस आदमी का नाम है बख्तियार खिलजी। ये टर्किश ओरिजिन का था और अफगानिस्तान में रहता था। मिनहाज ई सिराज नाम के एक हिस्टोरियन ने अपनी किताब तबाकत ए नसीरी में लिखा था कि खिलजी बड़े ही अजीबोगरीब शरीर का था। उसका कद काफी छोटा था और हाथ इतने लंबे थे कि घुटने के भी नीचे तक आते थे। इसी वजह से उसे फौज में भर्ती नहीं होने दिया। फिर वो मोहम्मद गजनी के पास गया, लेकिन उसने भी खिलजी को भगा दिया। और आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने वो दिल्ली में मोहम्मद घोरी के पास गया, लेकिन उसने भी बख्तियार खिलजी को वहां से भगा दिया। कुछ समय बाद जैसे तैसे करके बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना जुटाई और बंगाल और बिहार के काफी इलाकों पर जीत हासिल कर ली। इसी बीच उसने नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी पर भी हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। खिलजी के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर उसने तिब्बत पर हमला करने की सोची और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहानी को यहीं पे रोककर एक बार अपने दूसरे कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है राजा पृथु। राजा पृथु कामरूप के राजा थे। आज के असम को उस समय कामरूप कहा जाता था। राजा पृथु खेन वंश के राजा थे और माँ कमताश्वरी, जो माँ दुर्गा का एक रूप है, उनके बहुत बड़े भक्त थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बख्तियार खिलजी के बारे में तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन राजा पृथु के बारे में सिर्फ इतना ही मिला। बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के इतिहास लिखने वालों ने शायद उनके बारे में लिखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। खैर, वापस अपनी कहानी पर आते हैं। बख्तियार खिलजी अब तिब्बत पर हमला करना चाहता था ताकि वहां की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को लूट सके। साथ ही में वो सिल्क रूट पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि तिब्बत का रास्ता कामरूप से होकर निकलता था। ये खबर राजा पृथु तक पहुंच गई कि खिलजी कामरूप की तरफ बढ़ रहा है। राजा पृथु के अंदर इस बात का बहुत गुस्सा था कि बख्तियार खिलजी ने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर हमारे देश के ज्ञान के भंडार का सर्वनाश कर दिया था। उन्हें किसी भी हालत में खिलजी से इस बात का बदला लेना ही था। खिलजी ने कामरूप की चढ़ाई शुरू की। कामरूप पहुंचने के लिए खिलजी ने तीस्ता नदी पर पत्थर के बने एक पुल को पार किया और अपने कई हजार सैनिकों के साथ कामरूप के काफी पास पहुंच गए। लेकिन राजा पृथु बहुत शातिर थे। उन्होंने खिलजी को हराने के लिए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी की टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में दुश्मन के जिंदा रहने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिए राजा पृथु ने खिलजी के खिलाफ इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल किया। कामरूप से पहले जितने भी गांव पड़ते थे, राजा पृथु ने सभी गांव वालों को अपने घर खाली करने को कहा और उनसे ये भी कहा कि सारा अनाज, सोना, चांदी और सभी जरूरत की चीजें साथ लेकर निकले। इन लोगों को कामरूप के दूसरी तरफ भेज दिया गया ताकि वो खिलजी से सुरक्षित रहें। इसके बाद राजा पृथु ने उन सभी गांव में जितने भी पानी के सोर्सेस थे, जैसे तालाब, कुएं, यहाँ तक कि घर के मटके भी, इन सभी में जहर मिलवा दिया ताकि खिलजी का कोई भी सैनिक पानी पिए तो जल्दी ही मर जाए। साथ ही में सभी खेत खलियानों को भी नष्ट कर दिया गया था। राजा पृथु ने कामरूप के आसपास जंगलों में रहने वाले जनजातियों यानी ट्राइब्स के लोगों को अपने साथ खिलजी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। राजा पृथु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन लोगों को जंगल में लड़ाई करने का बहुत एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ खिलजी की सेना को जंगल वॉरफेयर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। कामरूप तक पहुंचते पहुंचते खिलजी की सेना की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि खाने को एक दाना तक नहीं था और जितना भी पानी था उसमें जहर मिला हुआ था, जिसे पीकर कई सैनिक मर गए थे। किसी तरह गिरते पड़ते खिलजी कामरूप पहुंचा और फाइनली मार्च 1206 में कामरूप का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को भीषण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा लड़ाई ही थी। राजा पृथु की सेना और ट्राइबल्स ने खिलजी की सेना पर धावा बोल दिया। खिलजी की सेना पर हर तरफ से हमला हुआ। खिलजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी सेना को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। पहले दिन के युद्ध के खत्म होने के बाद खिलजी की सेना का बुरा हाल हो चुका था। इसी बीच उसे खबर मिली कि अगले दिन राजा पृथु का साथ देने आसपास के राज्य से और भी सैनिक आ रहे हैं। ये सुनके बख्तियार खिलजी के हाथ पैर कांप उठे और उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपने सेना के साथ वापस लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजा पृथु ने एक ऐसा काम किया जिसे और भी राजा करते तो हमारे देश का इतिहास ही कुछ और होता। उन्होंने वापस लौटती हुई खिलजी की सेना पर पीछे से हमला कर दिया। जिस आदमी ने नालंदा जैसी पवित्र जगह को तबाह कर दिया,
उसे सिर्फ इसलिए तो छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसने हथियार डाल दिए और वापस लौट रहा है। कहा जाता है कि खिलजी के 12,000 सैनिकों में से 11,900 सैनिकों को राजा पृथु ने मौत के घाट उतार दिया था। अपने बचे कुचे 100 सैनिकों के साथ जान बचाते हुए खिलजी तीस्ता नदी के उस पुल पर पहुंचा जिसे उसने पार किया था कामरूप पहुंचने के लिए, लेकिन उस पुल को राजा पृथु ने पहले ही तोड़वा दिया था ताकि खिलजी की सेना वापस ना लौट पाए। यानी इन शॉर्ट प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि खिलजी की हार तय थी। अब आगे थी तेज बहाव वाली तीस्ता नदी और पीछे थे राजा पृथु और उनके खतरनाक सैनिक जो नालंदा यूनिवर्सिटी का बदला लेने के लिए पागल हुए जा रहे थे। खिलजी को लगा कि तीस्ता में कूदकर तो शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर राजा पृथु के हाथ लग गए तो मौत निश्चित है। ये सोचकर वो अपने बचे कुचे 100 सैनिकों के साथ तीस्ता नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद उन 100 में से कई सैनिकों की मौत हुई, लेकिन किस्मत से खिलजी बच गया। थका हारा खिलजी वापस बंगाल पहुंचा। कहा जाता है कि बंगाल पहुंचने के बाद वो पागल सा हो गया था। उसने एक के बाद एक लड़ाई जीती थी, लेकिन राजा पृथु ने उसका ऐसा हाल कर दिया था कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। और कुछ समय बाद उसी के आर्मी जनरल अली मर्दान ने उसका कत्ल कर दिया था। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि राजा पृथु ने खिलजी को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया था। फिर उन्होंने उसे एक घोड़े पर बिठाकर वहां से भगा दिया और ऑर्डर दिया कि रास्ते में जो भी मिले उससे ये कहना कि मैं वही बख्तियार खिलजी हूं जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया, और फिर मैं कामरूप पर हमला करने जब पहुंचा तो मुझे राजा पृथु मिले और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये कोई झूठी घटना है तो मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास कनई बारसी रॉक इंस्क्रिप्शन है जहां पर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है। तो ये थी कहानी हमारे देश के वीर राजा पृथु की, जिन्होंने नालंदा को जलाने वाले बख्तियार खिलजी का ऐसा हाल कर दिया था कि वो पागल हो गया था। लेकिन हमें ऐसे राजाओं की कहानी के बारे में बताया ही कहां जाता है। ऊपर से बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक रेलवे जंक्शन है, लेकिन राजा पृथु जिन्होंने एक इन्वेडर को मार के भगाया उनके नाम पर कुछ है ही नहीं। ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही होता है। अब वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तानियों को इस देश के असली इतिहास के बारे में बताया जाए और उन हीरोज को पहचान दी जाए जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, ना कि उन लोगों को जिन्होंने इस देश को सिर्फ लूटा। एक और ऐसी घटना है साल 1946 की, जिसे हमारे देश के इतिहासकारों ने खुलकर कभी नहीं बताया। इस घटना का बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश को आजादी दिलाने में। इस वीडियो का आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो राजा पृथु के बारे में, जिन्होंने बख्तियार खिलजी को बर्बाद कर दिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।